स्टार्ट ग्रुप पॉलिसी मैनेज ठीक ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जाके आपने क्या किया हुआ है पहले के बने हुए जितेंद्र बना हुआ है मैनेजर बना हुआ है स्टूडेंट बना हुआ है टीम लीडर बना हुआ है टेस्टी आर जी योगेश अब हमने कौन सा बनाया था टीम लीडर है ठीक है धीरज को भूल जाओ अब यहाँ पे क्या करना है हाँ राइट क्लिक कर उसको क्रिएट अ जीपीओ इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हियर मतलब इसको लिंक करवा देना हमें ग्रुप पॉलिसी के साथ जी राइट हाँ भी सेंटर समझ आ रहा है यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी इसका नाम दे सकते हैं न्यू जी पी ओ कुछ भी लिख दो यहाँ पे भी दे दो क्या नाम देना सेम नेम मत यूज़ करो प्रॉब्लम आ जाएगी कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्लिक्ट होगा ए बी सी डाल लिख दे ए बी सी ओके कर दो ठीक है यहाँ पे लिंक्ड ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट वन ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस डेलीगेशन जो भी है ठीक है अब हमने क्या करना है इस पर टीम लीडर पे राइट क्लिक करना है ध्यान से भी उसकी पॉलिसी को अब एडिट करना है एक मिनट यार इसको प्लस कर पहले हाँ हमने बनाया एबीसी एबीसी पे राइट क्लिक करना है राइट क्लिक राइट क्लिक करके एडिट करो राइट क्लिक आपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज की है उसमें क्या होता है एक ऑब्जेक्ट बनाए से कोई भी समझ आया टीम जो टीम लीडर का यूजर है अब इसको एक बार क्लोज करो पर तो सही इसी तरह से अगर आपने इस सेटिंग पे कुछ भी चेंजेस करने हैं तो इस पर करोगे अगर स्टूडेंट वाले पे या मैनेजर वाले पे करना है उसकी पॉलिसी अलग होगी अब जैसे हमने ये तो हमारा न्यू यूजर होगा टीम लीडर का ठीक है इससे पहले जो हमने पॉलिसी अप्लाई की थी जो कौन सा यूजर था वो बबीको था नहीं इसी का था इसी का ठीक है तो उसमें पहली वो वर्क कर रही है ठीक है अब ये फ्रेश है ये फ्रेश है तो हमने इस पर राइट क्लिक करके इसको एडिट करेंगे अब इसमें ये है यूज़र कॉन्फ़िगरेशन स्टेप भी नोट करो इसकी एडिट के बाद गो टू यूजर कॉन्फ़िगरेशन देन सिलेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे करना हाँ ये यहाँ पे आगे ओपन हो गया ना एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के बाद ये जितनी भी आपकी सारी सर्विसेज यहाँ से आप इसको इनेबल कर लो डिसेबल कर लो ठीक है अब इसको ऑल सेटिंग पे क्लिक करो ये आ गया इसको पहले वो मैक्सिमाइज कर दो ठीक है यहाँ से क्या है ये जितनी भी सर्विसेज हैं हमने अभी कोई भी कॉन्फ़िगर नहीं की है ना सब पे नॉट कॉन्फ़िगर यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके चेक करो सभी पे नॉट कॉन्फ़िगर है ठीक है अगर आप मैनेजर वाली चेक करोगे उसमें क्या होगा किसी ना किसी को हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है डेस्कटॉप वाली या लैन वाली ठीक है अब ये इतनी सारी पॉलिसियाँ हैं ठीक है जो भी आपने अप्लाई करनी है वो आपको खुद ही सर्च करनी पड़ेगी बता दी इसमें कौन सी की दिक्कत है पहले डेस्कटॉप वाली पे अप्लाई करते हैं पानी की बोतल लगी है हाँ हाँ दो बोतल लगेगा उस तरह से इसमें सर्च की ऑप्शन नहीं होती ठीक है जैसे होता है ना कहीं हमें कंट्रोल एफ वर्ड एक्सेल में जा सकता है एक्सेस
Prohibit enabling and disabling component of a LAN connection. इस केस में क्या होगा? इस केस में पता क्या होगा? चलो पहले इसको enable में रखते हैं. यहाँ पे क्या है? Double click करने के बाद hello भाई नीचे नहीं देखना, ऊपर देखे थे. Double click किया उसके बाद ये यहाँ पे आ गया not configure, enable और disable. अभी ये क्या है? नॉट कॉन्फ़िगर है, कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करे. ठीक है, जैसे आपका सिस्टम है वैसे ही है वो क्लाइंट का. ठीक है, यहाँ पे क्या, अगर आप इसको इनेबल करते हो, इनेबल पे वो वर्क करेगा. कैसे वर्क करेगा? जैसे यहाँ पे नेटवर्क पे गए, नेटवर्क एंड शेयरिंग, ये आपके एक मिनट, हमने कौन सी है वो डिसेबल और इनेबल वाली है ना. तो डिसेबल इनेबल कौन से करते हैं? यहाँ से राइट क्लिक किया, ये यहाँ पे डिसेबल है. डिसेबल कर देंगे तो क्या होगा? अब ये डिसेबल हो गया. अगर ये नेटवर्क, जब मैं उस पॉलिसी को अप्लाई कर दूंगा तो क्लाइंट सिस्टम पे क्या होगा, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे. उसको इनेबल डिसेबल जो है नहीं कर पाएंगे. उसमें उसमें वो आपसे फिर यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा जो आपके सर्वर का होगा, chnm.com. ठीक है, क्लियर है? इसको मैंने कर दिया इनेबल, अप्लाई, देन ओके. उसके बाद कौन सी पॉलिसी है? एबिलिटी टू ऐड एनेबल एनेबल लैन कनेक्शन, एबिलिटी टू एनेबल लैन कनेक्शन. क्या पता है लैन कनेक्शन? डबल क्लिक, यहाँ पे इसको भी हम क्या करते हैं, इनेबल. वो था आपका प्रॉपर्टी हाइड करने का जो इससे पहले था. इसको फिर देखो, अगर आप कोई पॉलिसी आपको समझ नहीं आ रहा है किसमें क्या होगा, उसको आपने यहाँ से रीड कर लेना. ये जो सारा इतनी थ्योरी लिखी हुई है ये उसी चीज़ की है. इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो क्या होगा, डिसेबल करेंगे क्या होगा. ठीक है, ये देखो, इफ़ यू इनेबल दिस सेटिंग द इनेबल एंड डिसेबलिंग ऑप्शन फॉर लैन कनेक्शन आर अवेलेबल टू यूजर्स इंक्लूडिंग नॉन डोमेन नॉन एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स कैन इनेबल डिसेबल अ लैंड कनेक्शन बाय डबल क्लिक द आइकन रिप्रेजेंटिंग द कनेक्शन. और कौन सी थी इसमें? डेस्कटॉप वॉलपेपर. इसमें क्या होगा, कोई भी आपके वॉलपेपर लगा होगा आप अपने सिस्टम पे कोई भी वॉलपेपर चेंज नहीं कर पाएंगे. उसमें जितने भी बाय डिफॉल्ट जो विंडो के होते हैं ना, वो सारे के सारे डिसेबल हो जाएंगे. इसको इनेबल करता है इसको. अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये, अगर आपने कोई इमेज खुद सेट करनी है, लिखा हो ना सी विंडोज वेब वॉलपेपर होम, इसको हम यहाँ से पहले तो ये हमारी इमेज है, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी पे गए, लिखा हो ना इसका नाम डबल ए इसका नेम है, और ये किस एक्सटेंशन क्या है इसकी, JPG. ठीक है, इसका पूरा का पूरा पाथ उठा लेना यहाँ से, कॉपी यहाँ पे कर दे इसको पेस्ट. इसका नाम क्या था? डबल ए डॉट JPG. ठीक है, इसको फिर अप्लाई. उसके बाद इसमें और कौन सी है देख लो, पढ़ के देखो एक बार, जो आपको लगता है कि ये इस पर भी हमने जैसे हम CD to CD कॉपी करते हैं ना, वो बर्निंग प्रोसेस ही होता. तो अगर हम इसको इनेबल कर देंगे तो उसमें क्या होगा, हम CD को रीड कर सकेंगे, सिर्फ बर्न नहीं कर पाएंगे. तो कोई भी पॉलिसी अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको खुद ही पता होना चाहिए, ये नहीं कि फिर बाद में अगर आप काम करने लगे हो फिर आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी. काम ये वो रिमूवेबल वाली, तो आप जैसे सिस्टम को डिफ्रेगमेंट कर सकते हो ना,
डी फ्रेगमेंट हो गया डिस्क में, आप ओपन करते हो ना, कहाँ से करते हो? राइट क्लिक करा, मैनेजर में गए, ये आ गया आपका स्टोरेज डिस्क मैनेजमेंट, ये है ना। तो यहाँ पे आप डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। किसका पूछेगा पासवर्ड? जो आपके सर्वर का होगा। अब इसको भी हम अप्लाई करते हैं, डिस्क मैनेजमेंट इसको करते हैं कॉन्फ़िगर अप्लाई। ठीक है, इतना हो गया।